दीपा शुक्ला जी ने बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स कंसी किए हैं, जो साहब से जो शूटिंग कर रहे हैं सुबह से, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। परिता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सेम चीज, प्रभाकर इज अ वेरी नाइस डायरेक्टर और हमारी ये मुंशी पन्ना मसाले वाले जो हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है जो अच्छे लोग होते हैं उनका प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा, तो उनको तो खुशी है कि हम इसके साथ जुड़े हैं। मुंशी पन्ने मसाले सर, ये कैसा नाम वगैरह कैसे आया आप जानना चाहेंगे? आपसे ये ग्रैंडफादर का नाम है और मैं चौथी पीढ़ी हूँ और मुंशी लाल जी और पन्ना लाल जी हमारे बाबा का नाम, और इस कार्य को लगभग आज़ादी से पूर्व मैं कहूँ कई दशक इस प्रोडक्ट को आगरा में रावतपाड़ा स्थित किराना बाज़ार में खड़े मसालों की बिक्री से इस कार्य को शुरू करा गया और लगभग 25 से 30 वर्ष का समय जो इसको ब्रांड का नाम दिया गया मुंशी पन्ना मसाले, और ये कंपनी के तौर पर एक ब्रांड के रूप में करीब उत्तर प्रदेश के आसपास राजस्थान जिला राजस्थान की बात करूं और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में तो ये मौजूद ही है और अब कई ऐसी स्टेटों में कई राज्यों में इसका विस्तार समय समय के साथ हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे मसाले मिलते हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है और क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से जिनने इस मसाले को अपनाया? ये सारी चीज़ अनुभव पर भी निर्भर करती है और जैसा कि अगर आगरा की शहर की बात करूं, आगरा प्रेम के नगरी से ताजमहल के जरिए आगरा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी जाना जाता है और मुग़ल शासन से ही नहीं लगभग अगर बात करूं पौराणिक काल से आगरा जनपद में मथुरा नगरी जो कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है और निरंतर ये प्रेम के लिए भी जानी जाती है, उसी प्रकार आगरा में चाट पकौड़ी का जायका जो कि मसालों से उसमें स्वाद की गुणवत्ता और स्वाद से वो जाना जाता है, आगरा की चाट पकौड़ियाँ भी करीब भारत के कई कई जगह ये बहुत मशहूर है और इसमें अधिकतर मसालों का बहुत रोल रहता है। इसी प्रकार इसकी क्वालिटी को हम बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखते हैं जिसमें स्वच्छता शुद्धता और जो प्रोडक्ट जहाँ उत्पाद होता है उसकी परचेजिंग हम लोग डायरेक्ट किसानों से वहीं से इसकी करके लाते हैं और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। गोविंद जी, सुनीता जी, मसाले की बात करते हैं तो घर में खाना वगैरह सब मसाले के साथ ही रहता है, आप दोनों हेल्थ कॉन्शियस है कि मसाले के खाने के कॉन्शियस? तो हेल्थी होना तो जरूरी है। हाँ सही है, ये सवाल लेकिन हमारे लिए हेल्थी मेरे हिसाब से जीवन ऊपर वाले ने दिया है, खाओ पियो मस्त अपने को खाना पीना। और मेरा उसूल है जब मैं शूट में जाती हूँ सीरियल्स के उसके फिल्म के तो मेरा खाना जाता है तकरीबन 10-12 दिन का साथ घर से, तो सब साथ में बैठ के तो खुद भी खाते हैं लोगों को भी खिलाते हैं। बढ़िया सर, लास्ट में ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? हम तो ये कहते हैं खाओ पियो एक्सरसाइज करो और अपने क्या जॉगिंग करो योगा करो, लेकिन खाना पीना मत छोड़ो, खाओ अच्छे से और मस्त रहो। सर किन किन स्टेट्स में आपके लॉन्च हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, इसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। पहले तो महाराष्ट्र में आना चाहिए, महाराष्ट्र में भी लॉन्च की है स्थिति और मध्य प्रदेश में इसको स्मूथ तरीके से अभी लॉन्च किया जा रहा है और धीमे धीमे आज 5 प्रदेश में अपन हैं और पूरे देश में इसको लॉन्च करने की संभावना बहुत जल्दी जल्दी इसकी तय करते जा रहे हैं। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, इट वॉज रियली नाइस, दिस पीपल आर वेरी नाइस, वेरी हार्ट वार्मिंग एंड वेलकमिंग एंड बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके। और कुछ एक्सपीरियंस मसालों के साथ और यहाँ पे यू नो आपके आपने कुछ बात की होगी जो मेकर्स हैं मसाले के उनके साथ ये क्या है उसके बाद आप इसके मसाले पहले भी ट्राई किए हैं, दे वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छे हैं एंड सबको ट्राई करने चाहिए, सबको लेना भी चाहिए।
सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि जो एक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से सब अभी हमने आगे क्या प्लान थे? अभी जो हमने कास्टिंग की दादा दादी हमें रोल प्ले किया, मसाला 100 साल पुराना है, बहुत समय से इसलिए दादा जी फोकस किया है, यंगस्टर हमने ले लिया, उनके बेस पे पूरा ऐड बना कि पुराना है, पुराने लोग हैं, समय से खा रहे हैं, इसकी पूरी थीमें रखी हुई है। और इनके अभी दो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जैसे सिकंजी 16 सिकंजी उन्होंने बनाया, 2 साल में प्रोडक्ट रेडी हुआ, उसमें बस पानी में डाली है, इसमें सोडा भी है, नींबू सब कुछ रेडी टू कुक। ऐसे एक मूंग दाल भजिया मसाला मंगाया, आपको दाल भिगोने की जरूरत नहीं, दाल क्वालिटी है, आप आधे घंटे पहले दाल डालिए, जहाँ पे आलू डालिए गोभी डालिए, रेडी टू कुक। तो ऐसे प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग बनाए, आगे भी और भी नए नए कुछ प्रोडक्ट आ रहे। और मार्केट से मैं इस कंपनी का पिछले आई थिंक 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, पैकेजिंग डिज़ाइन करी, लोगो डिज़ाइन किया, तो मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, जब से डे बाई डे राइज किया है, मेरे सामने ही किया है, जस्ट स्टार्टर किया था प्रोडक्ट में आए थे तो मेरे सामने राइजिंग किया 20-25 साल में, काफ़ी और मार्केट में बहुत सारी सिटीज़ में आ चुके हैं। कितने प्रकार की वैरायटीज है? 60 प्लस प्रोडक्ट है, और अब प्रोडक्ट की जितनी भी मसालों की अगर बात करें तो मसाले से ज़्यादा अब रेडी टू कुक पर कंपनी ध्यान देती है, सारे आइटम अब रेडी टू कुक के भी अब और ऐड करते जा रहे हैं, लगभग वो 20 प्रोडक्ट अभी लगभग साल भर की इसमें पूरी आने वाली है। सर जो मार्केट है मसालों का ये कितना बड़ा है? ये मार्केट आज से नहीं, बहुत समय से भारत में मसाले की प्रसिद्धता अपने आप में भी एक बहुत पुरानी प्रसिद्धता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की खोज मसाले के ही जरिए भारत की खोज की गई है, और भारत में कृषि उत्पादक भूमि बहुत अधिक है, और भारत की जो कृषि है या भारत में मैं मसाले की बात करूँ तो मसाले की जो गुणवत्ता है वो पूरे विश्व में उस जैसी गुणवत्ता या क्वालिटी का मानक वो पूरे विश्व में मसालों को कहीं नहीं बैठता जो भारत की बैठती है। तो मसाले की बहुत बड़ी दुनिया है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, और अभी हम बात करें कोविड में भी मसालों ने ह्यूमिडिटी बढ़ाने का भी बहुत सारा साथ पूरी जनता को भी दिया है। अगर हल्दी भी एक आयुर्वेदिक की तरह एक रामबाण की तरह हल्दी का भी एक योगदान रहा है, और जो कोविड में एक दवा के रूप में बहुत काम आया। इसके अलावा आपके कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आप काम कर रहे हैं? काफ़ी पहले बहुत कुछ किया हुआ है, लास्ट टाइम अभी कुछ टाइम पहले जून में सिंपली फ्रेश के लिए भी ऐड किया था, एंड लाइक बचपन से कुछ ना कुछ बोर्डिंग्स वगैरह एंड ब्रोशर्स एंड ऑल के लिए शूज काफ़ी कुछ किया हुआ है, रैंप वॉक्स वगैरह मॉडलिंग एंड ऑल, सो काफ़ी इसमें है स्टार्टिंग से। और मैंने तो भाई बहुत सारे ऐड लोगों की कास्टिंग किए, लेकिन जब ये हमारे अभिनव जी हमारे साथ इस प्रोडक्ट को लेके आए तो मुझे बड़ा अलग सा बड़ा प्यारा सा नाम देखा, मुंशी पल्ला मसाला, तो कनेक्ट करता है ऑडियंस नाम या कनेक्ट करता है, जैसे मसाले तो बहुत सारे आ रहे हैं एवरीथिंग ये वो, बट इनका मसाले का जैसा नाम है मुंशी पन्ना मसाला वैसा ही टेस्ट है, ऑलरेडी मैं इसको यूज कर चुका हूँ। तो मतलब मेरे घर में मेरे घर वाली को मैंने बोला भाई इसको देखो मेरे इसका शूट करने जा रहा हूँ टेस्ट कैसा है, तो बनाया उन्होंने तो भाई लाजवाब, तो हम खाए, हमारे घर में रिश्तेदार भी काफ़ी आए थे, बड़े खुश हो गए, तो मैंने कहा भाई ये तो हम काम कर रहे हैं, तो मैंने बड़े दिल से इस पे कास्ट भी किया, बड़ा मजा आ रहा है, शूट भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, जो हमारे नाम में जो परंपरागत जो नाम में भी है उसको भी ध्यान रखते हुए शूट की जो कास्टिंग की है उसमें भी फैमिली फीलिंग को लेकर ध्यान रखा, और रोल जितने भी प्ले हुए हैं दादा दादी वगैरह वो पुरानी परंपरागत के हिसाब से रोल सारे प्ले हुए, बहुत सारा शूट पेंडिंग है अभी, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है शूट करके, यहाँ एक फैमिली सी नई फीलिंग है, शूट तो बहुत करते हैं, यहाँ पे कुछ नया मज़ा आ रहा है। थैंक यू।